एक अनजान दुश्मन। 40% महिलाएं इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। क्या है फाइब्रॉइड? महिलाओं को होने वाली एक आम समस्या है। अगर हमारे देश में इसकी जांच करवाई जाए तो 40% महिलाओं को फाइब्रॉइड की समस्या हो सकती है। फाइब्रॉइड कैंसर नहीं है, लेकिन अगर समस्या ज्यादा हो और ध्यान न दिया जाए तब ये कैंसर का रूप ले सकती है। फाइब्रॉइड एक बेनाइन ट्यूमर है जो यूट्रस की दीवार में बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। ये कैंसरस नहीं होते, मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं बेनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं और ये बहुत कॉमन है। ब्लैक रेस में ज़्यादा कॉमन है, पर अपने देश में भी अगर अल्ट्रासाउंड्स किए जाएं तो करीब 40% महिलाओं में ये निकल आते हैं। सिम्टम्स: एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेल्विस प्रेशर, इनफर्टिलिटी की समस्या, प्रीमैच्योर डिलीवरी, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यूरिन की समस्या, इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, पेट में सूजन, इसके साथ ही फाइब्रॉइड्स में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना आम बात है। 50% फाइब्रॉइड्स तो बिना सिम्टम के होते हैं, महिलाओं को पता ही नहीं होता कि फाइब्रॉइड है, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक्सीडेंटली पता चलता है। जिनमें सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम है कि महावारी भारी होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मेंसेस के वक्त, और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो दर्द भी शुरू हो जाता है, बच्चा रुकने में दिक्कत होती है, और अगर बच्चा रुक जाए तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जैसे समय से पहले बच्चा होना, अबॉर्शंस होना, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बंद ना होना, ऐसे सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और अगर इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए तो प्रेशर सिम्टम्स जैसे आंतों में प्रेशर पड़ेगा तो कब्जियत होना, गैस रुकना, भूखना लगना, अगर पेशाब की थैली में प्रेशर है तो पेशाब के सिम्टम्स होना जैसे बार बार बाथरूम जाना। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा कर इस बात का पता लगा सकते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी से जांच करवाने पर यूट्रस से टिश्यू निकालकर उसकी जांच की जाती है जिससे बीमारी का पता लगाया जा सके। डायग्नोसिस यही होता है कि चेकअप में हमें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बच्चेदानी मिलती है जब चेकअप करते हैं, और आजकल तो कॉमनली अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड के साइज, उसकी लोकेशन और पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट 4 तरह से किया जा सकता है, वो है सर्जरी, मेडिसिंस, मेडिकेटेड इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। जिस चीज़ का कारण नहीं पता होता उसका कोई इलाज नहीं होता, तो जब ज़रूरत होती है तो इनको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है। कुछ दवाएं आ गई हैं जो इसका साइज़ कम कर देती हैं, पर वो बहुत टेम्पोरेरीली कम कर पाती हैं, जैसे ही दवा बंद करें वो फिर अपनी पुरानी साइज़ में पहुंच जाता है, और ये दवाइयाँ 6 महीने से ज़्यादा दे भी नहीं पाते हैं। अगर दिखाए गए सिम्टम्स में से आपको किसी भी तरह की शिकायत है तो अपनी डाइट पर पूरा और ख़ास ध्यान दें। अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड, अनाज और फल का अधिक सेवन करें। फाइब्रॉइड एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसकी ओर ध्यान न दिया जाए तो बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है। इसलिए अगर आप अपनी ओर थोड़ा सा भी और ध्यान दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है।